देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इसमें ये लिखा हो कि गिव द डेफिनेशन ऑफ वॉट, यानी कि वॉट तो किसकी यूनिट है, पहले तो वॉट पता होना चाहिए किसकी यूनिट है। पावर की यूनिट है ना ये, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, तो पहले इसके बारे में पता होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कहा गया है। तो इसमें ये भी कहा जाएगा कि रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आवर एंड जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इधर वाल एक दो साल में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं अलग अलग बोर्ड के अलावा, उसमें ये क्वेश्चन फंसा है, क्योंकि हमने भी एक पेपर दिया था यूपी टेक का, उसमें भी ये क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, इसके अलावा पेपर बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ किलो वाट आर, या तो ये और लगाया ना कि या तो ये आई या तो ये या तो ये, तो सब क्वेश्चन देख लिए किलो वाट आर इससे रिलेटेड है। तो पावर के बारे में लिख देंगे आप समझ के, भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर सर्किट, वन वॉट इफ़ वन एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट हैविंग वन वोल्ट पोटेंशियल। बस सीधी सी बात है, वन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और वन वोल्ट। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर हम बताएं, इसके आगे देखिए यही डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद वन वॉट में वन वोल्ट इंटू एम्पेयर होता है। ठीक है, इसको अच्छा ये वन वॉट में वन वोल्ट इंटू एम्पेयर यानी कि वन वोल्ट, ये क्यों कैसे, तो आप देखिए वॉट किसकी यूनिट है, पावर की है ना, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है वी इंटू आई है ना। आप कहेंगे सर पावर का फॉर्मूला तो डब्ल्यू अपॉन टी होता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है ना, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड है ना, और वॉट दो वॉट या दो, इसलिए पावर के दो फार्मूले, एक पावर की यूनिट होती है वॉट, इसका फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, इस वी को कहते हैं वोल्ट और आई की आई यानी करेंट माने एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है। ठीक, उसके बाद दिखा, तो इसीलिए वन वॉट में वन वोल्ट इंटू एम्पेयर हो गया। इसके बाद वन किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 10³, ये पावर कहलाते हैं ना, या 10³ कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, 10³ CUBE मैथ में होता है ना, स्क्वायर ऑफ क्यूब। और इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि 10³ है यानी कि 3 ज़ीरो लगा दो वन में, जितनी पावर है वन में उतने ज़ीरो लगा दो। ठीक है, 10³ मतलब 3 ज़ीरो यानी 1000, 1000। इसी तरह 1 मेगावाट कह ले तो 10⁶, 1 मेगावाट में कितने होंगे, 10⁶, 10⁶ का मतलब यानी कि 6 बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख है ना, यानी कि 10 लाख, 10 लाख वाट होते हैं 1 मेगावाट में। ठीक है, तो ये सारी बातें नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी न्यूमेरिकल पूछ ले, घुमा देगा कैसे भी। अब ये किलो वाट आवर के बारे में है, तो किलो वाट आवर जो है, ये 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं, बिजली का बिल आता नहीं है, तो उसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग 1 आवर, 1 घंटे में जितनी बिजली कंज्यूम हो 1 किलो वाट आवर, इसीलिए आर लगाया, आर माने घंटा। तो वन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट 1 किलो वाट, तो नंबर ऑफ, अगर ये इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो नंबर ऑफ किलो वाट यूनिट यानी निकालना हो तो कितने वोल्ट का बल्ब है और कितना करंट आ रहा है, कितने घंटे चला है, ये फॉर्मूला लगाया जाता है, यानी तीनों मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1000 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं वॉट इंटू आर, क्यों, वोल्ट इंटू एम्पेयर, अभी आपने पढ़ा वोल्ट इंटू एम्पेयर यानी कि पी बराबर वी इंटू आई है ना, तो वी आई किसके बराबर, पी के बराबर, और पी किसकी यूनिट है, वॉट की, तो यहाँ पे इसको हटा के हम वॉट लिख देंगे, वॉट इंटू आर अपॉन 1000। ठीक है, और इसको हम ये लिख सकते हैं, और यही हम कह रहे हैं, यही आया है बोर्ड में, यही आया था कई जगह, कई बार ये क्वेश्चन आया है, 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 10⁶ × 10⁶ जूल। ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल, ये रट लिए एकदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ होती है भाई, किसी ना किसी साइड में आ जाएगा बस, हम ये आई एम श्योर है। ठीक है, तो इसमें अगर घुमा दे तो घुमा भी सकता है। ठीक है, अच्छा जूल क्या होता है, 1 जूल में 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल या 4.2 जूल, या तो 4.2 जूल लिख देंगे या 4.18 जूल। ठीक है, एग्ज़ाम में या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये, अगर कैलोरी में पूछेगा कितने जूल होते हैं। ठीक है, ये अलग याद रखिएगा बात। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये रिलेशन है, अगर रिलेशन आ जाए कि 1 किलो वाट आवर में कितने या कितनी वैल्यू होती है जूल की, कैसे हुई 3.6 × 10⁶ जूल, तो ये समझ लिए 1 किलो वाट आवर में मैं के माने अभी बताया 1000 होता है ना, और आगे वाट आवर लगा था, वाट आवर लिख दिया। ठीक, 1000 वाट है, 1 आवर में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए है ना, और फिर हम कहें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, यानी कि कुल मिला के 1 घंटे में 60 मिनट हो गए और 60 सेकंड, यानी कि 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड,
60 × 60 यानी 60 × 60 6 × 36 और दो जीरो लगे तो दो जीरो लगा दी, ठीक है, 3600 सेकंड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3612345 0 1 2 3 4 5 0 क्यों 36 × 1 = 36 और जितने जीरो थे उतने लगा दिए। लेकिन हमारी फिजिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है अगर तो पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यानी कि पॉइंट जीरो लगा हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो कट जाता है, पॉइंट लगा हुआ है हिडन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है तो पहले नंबर के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। 3.6 इंटू कितने नंबर हमने फंदाए, 6 नंबर, इसीलिए 10^6 जूल लिख दिया, ठीक है, तो इसलिए ये आया, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर और इस चैप्टर में ये बातें होती हैं कैसे क्यों पॉइंट इधर से इधर चाहिए होता है, हमेशा फर्स्ट नंबर के पहले पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये पूरा आप ये भी स्टेप लिखिएगा जैसे हमने किया है, ठीक है, बस ये डिज़ाइन ना बना दीजिए, डायरेक्ट आप इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।